तुम मुझे गले लगाओ उससे बस एक सेकंड पहले। अभी आंखें बंद करूंगा और तुम्हारे साथ एक नई दुनिया देखूंगा। नहीं दे सके, हमें चीजों की जरूरत नहीं, बस साथ चाहिए। मेरे पिताजी ने मां के साथ उतना वक्त नहीं गुजारा, 25 साल वो दरवाजे पर बस बैठी रही, अपनी गोद में मेरा सर रखकर। कई रातों को जागकर वो मुझे लोरी सुनाती थी, तब सोचता था कि वो बस एक लोरी है। वो उसके दिल का दर्द था जो दरअसल मेरे पिताजी ने उसे दिया था। कितनी बड़ी गलती करती नारा बरेठी, अपनी बीवी को कितनी ठेस पहुंचाई। बस एक बार मेरी मां का दर्द भरा गाना सुन लेते तो उसी पर वापस लौट आते। उसके भाई को सुनाई कहानी से पता चला कि बस ये रेड्डी जिंदा है। मैंने सोचा शांति कायम करनी है तो अपने लोगों को कन्विंस करूं, लेकिन उसने कहा दोस्तों को नहीं दुश्मनों को जाकर कन्विंस करो। तो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर से मिलकर उससे बात की और इसीलिए बसी रेड्डी के गुंडों को अरविंदा के पिता के क्लाइंट के घर में छुपा दिया मैंने। तो उसकी वजह से सिर्फ अच्छे काम हुए और अगर कुछ गलत हुआ है तो मेरी वजह से ना भाई, मेरी वजह से वो किडनैप हो गए। कोई लड़का अपनी प्रेमिका को मुसीबत से बचाए तो बहुत गर्व महसूस करता है, लेकिन एक बार मुसीबत टल जाए तो उसे बचाने जान को भी खतरा है। ये सब बर्ड लोग ऐसे हमें छोड़ जाते थे और दूसरों के साथ सब कुछ डिस्कस करते, क्या हमें कुछ समझ नहीं आता, क्या पता नहीं तुम इस फैक्शन सब्जेक्ट का कौन अथॉरिटी है, हाँ तुम या मैं? कोई डाउट नहीं है, तुम ही हो, है ना? हाँ।
डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सिर्फ टेक्निकल बैग लाना काफी नहीं है, उसके लिए कैमरा चाहिए, बात करने के लिए माइक चाहिए, सोने के लिए टेंट चाहिए और खाने के लिए बिस्किट चाहिए। इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिन नंबर क्या है? तुम्हें पता होगा, तुम्हारा ही है। जब उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए बचे तो सामने वाले ने उसकी बेइज्जती की, तो बसी रेड्डी ने उसका सर काट दिया और पुलिस स्टेशन के सामने फेंक दिया। सिद्धि रेड्डी गांव कोमती, ताश के खेल में नंबर एक, यकीन ना हो तो ताश के पत्ते देख लो जो उसके हाथ में। इस तरह से ये झगड़ा शुरू हुआ, इसीलिए इसको 5 रुपए का फैक्शन बुलाते हैं। फिर राघव बेटी ने क्या किया? इसे साइड करो बेटी, मुझे बता दे तो उसके पिताजी ने क्या किया। हमारे बसी रेड्डी ने तुम्हारे एक आदमी का सिर काट दिया और तुमने क्या किया? तुमने हमारे 2 लोगों की जान ली है। देखिए तू हमें उंगली दिखा रहा है, अपने बेटे को समझा लो। और वो साधारण बादल नहीं होंगे, काले बादल होंगे। उस गुस्से में बसी रेड्डी ने बीच बाजार सबके सामने दिमा रेड्डी को मार डाला। उनके खिलाफ केस फाइल ने किया। कैसा केस? यहाँ ये सब होता है बेटी। शायद यहाँ का नियम कानून तुम्हें पता नहीं है। नरब्बा रेड्डी ने बसी रेड्डी के पिता को मार डाला, उसके बाद फिर क्या, दोनों का हिसाब बराबर, जान के बदले जान ले लिया। अरे बस करो रोना, इसे स्मशान ले जाना है मुझे। कहाँ है वो हमारा सुब्बदु? बुलाओ उसे, मेरे पिता की चिता ठंडी होने से पहले। मार दिया गया, वो भी इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही, रास्ते में गोली मार दी। हमारा राघव रेड्डी बिल्कुल डरा हुआ नहीं था बेटी, वो तिम्मा रेड्डी है ना, उसका खून है, उससे जितना हो सके उतने लोगों को मार गिराया उस अकेले ने। जब वो अपने बाप और काका की लाश कार में लेकर आया तो हम सब लोगों की आंखों में आंसू थे। उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ, 6 महीने से उसकी कोई जानकारी नहीं है। जब उसने कहा कि राघव रेड्डी चला गया तो तुम वहां से क्यों भागे? शॉप नहीं कर सकते क्या? यहाँ कौन किसके सुनता है? एक बार इसके लिए यहाँ मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन अनंतपुरम लॉज में नरब्बा रेड्डी के भतीजे को मार दिया। राघव रेड्डी छोटे मालिक जैसा था, 7 साल पहले वो हमारे राज्य की अच्छाई के लिए लड़ रहा था, उन्होंने लॉरी से कुचल कर मार डाला। चलो यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ? वो सब बातें बताऊंगा, पहले यहाँ से चलते हैं। मैं इनसे कुछ बात कर रही हूँ। अब कोई सुदर्शन रेड्डी नमस्ते। जब मेरे पिताजी मिनिस्टर बनेंगे तो
मैं पेड़ लेकर बाहर आ जाऊंगा।